और आप देखना हाउ इट लीव्स सम, कैसे कुछ लोगों को वो छोड़ देगा. नाउ इट्स विद मी, हाँ ये मेरे साथ है. I'll the first one to say God bless you brother. मैं पहला शख्स हूँ ये कहने के लिए खुदावन आपको बरकत दे भाई. God bless you. खुदावन आपको बरकत दे. As the prophet said. जैसे नबी ने कहा. In one meeting in Grass Valley. एक मीटिंग में ग्रास वैली में. How many here are born again? यहाँ पर कितने नया जन्म प्राप्त हैं? Everybody. हर एक कोई. He says so everybody is born again. God bless you. तो उन्होंने कहा हाँ हर एक कोई नया जन्म प्राप्त है खुदावन आपको बरकत दे. That's another thing he knows in his heart who are. ये बात दीगर है कि वो जानते हैं कि कौन है. Like he told brother Billy after future home message, I can count them on my fingers. Amen, amen. जैसे उन्होंने भाई बिली को बताया future home वाले संदेश के बाद, भविष्य घर वाले संदेश के बाद, कि मैं अपनी उंगलियों में गिन सकता हूँ कितनों ने संदेश को समझा. You mean in your own church? आपका मतलब आपकी अपनी कलीसिया में? Of course. जी हाँ बेशक. See, I'll just go a little further and I'll stop. मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और फिर मैं रुकूंगा. Now the Bible is a different book from any other sacred book. बाइबल बिल्कुल फर्क किताब है. I want to come to another quote, please. मैं एक और कोट पे आना चाहता हूँ कृपया. Now again he says. अब वो फिर से कहते हैं. We are not living in a Pentecostal age. हम पेंटिकॉस्टल युग में नहीं रह रहे. We are living in another age. हम एक और युग में रह रहे हैं. See, we are not living in the Methodist age. आप देखेंगे हम मेथोडिस्ट युग में नहीं रह रहे. We are living in another age. हम एक और युग में रह रहे हैं. Amen. 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 अब जैसे 25 आ रही है, दिसंबर आ गया, एक बेदारी आ गई, ठंड बढ़ती जाएगी और ईसाइयों में, मैं ईसाई शब्द इस्तेमाल करूंगा, बेदारी का एक दौर शुरू होगा. समझ आ रही है आपके? सितारे लटकाए जाएंगे. समझ आ रही है? जिस सितारे का अनुकरण आज तक नहीं कर पाए. यस. सितारा जिसको लटका रहे हैं अपने घरों पे, कौन सा सितारा था वो जिसने कुछ बुद्धिमान लोगों की अगुवाई करी उस जमाने में जब वचन देधारी हुआ? Yes, amen. बहुत बड़ा सितारा लटका है. पड़ोस में कहीं गुफा में वो बच्चा रो रहा है. Yes. और आपको खबर भी नहीं. Yes. क्या आइडिया है? Amen. क्या सोचा कितनी अजीब बात है ये हो रही है? Yes. बहुत बड़ा सितारा इस साल, बहुत बड़ा सितारा, दूर से मेन रोड से दिखता है वो सितारा. मैं पिछले ट्यूसडे से या थर्सडे से देखता आ रहा हूं वो सितारा. 25 आ रही है, जिन जो आज रह के वापस उस युग में जीना चाहते हैं जो डिनोमिनेशन वाला समय था. वैसे लगता बहुत अच्छा था. नहीं नहीं, तरह तरह के खाने, 25 के नाम पे यार क्या बनता था. घरों में जाते थे, घर में तो खाते ही नहीं थे, जेबों को भर के जाते थे. याद है? हर एक और सुनाओ क्या हाल है, और फिर वो कुछ गुजियाँ लाएंगे, ये लो खाओ हमने बनाए हैं. सबको मालूम है 24 की रात गुजरती थी तंदूर पे, वहां पे जो सॉरी बेकरी पे, बेकरी वाले की दुकान का की आग खत्म. समझिए इतनी ज्यादा डिमांड उस दिन, सबके केक उसी दिन सिकते थे. समझ मारी? और बाद में केक सिकने के बाद आता और सबसे पहला सवाल ये बताओ कैसा लगा? सुना आपने? और अन्य जातियों के ट्रेडिशंस को फॉलो मत करना. बाइबल में लिखा नहीं लिखा? आसमान की मलिका के लिए अनजाने में केक्स बना रहे हैं. केक्स बन रहे हैं मसीह के नाम पे किसके लिए? किसकी वर्शिप हो रही है? अरे मसीह के जन्मदिन की ही ये वर्शिप है. और भाई बहनों में भी कहा यू कांट टेक, मैं कोई कैसे बोलूं, मैं मतलब इसको ऐसे बोलूंगा कि अगर खा लिया केक तो क्या गलत किया? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 25 को ही क्यों है? नहीं, आज हमारे काम करने वाला आया तो कहता आपका तो एक ही साल में त्यौहार होता है. हमने कहा कौन सा बड़ा दिन? हमने नहीं, बड़ा दिन हम नहीं मनाते. हमने कहा हाँ एक तरह से मान लो कि भाई नए साल में एक मीटिंग होगी और हम नए साल में जाएंगे, उसको कह सकते हो कि हम मनाते हैं कि हम नए साल में गए. हमने कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा नहीं, वो शक्ल देखने लगा. ये क्या बोला आपने? सुन रहे हैं आप? लेकिन आप सोच के देखिए, डिनोमिनेशन छोड़ के निकल के आ गए,
लेकिन साल भर बेदारी नहीं दिखी, लेकिन 25 के आसपास नए कपड़े सिलना शुरू, नए सूट सिलना शुरू, घरों में पकवान तलना शुरू 25 के आसपास। और भाई ब्रैनम का मैसेज सुनते जाएंगे और पकवान तलते जाएंगे, शकरपारे गुजियाएं नए साल पे क्यों नहीं सीखते? ये है वो आत्मा जो कईयों में है आज भी, वो आत्मा निकली नहीं। डिनोमिनेशन से निकल के आ गए लेकिन डिनोमिनेशन अभी दिल से निकला नहीं। ब्रदर ये सच्चाई है, मेरा फर्ज है कि मैं बोलूं। इन लाइनों को ऐसे मजाक में हल्के में मत लीजिए, ये द सेड लॉर्ड है, इट इज, ये है। अट्ठाईस फरवरी को केक बनाया, उस दिन केक क्यों नहीं बनाते? 18 मार्च को क्यों नहीं केक सिखवाते? क्योंकि रिवील नहीं हुआ जनाब। कोरोना सेलिब्रेट, सबसे बड़ी घटना पुस्तक आई, प्रचार हुई, गर्जन प्रचार हुए, उस दिन बनाओ केक, उस दिन क्यों नहीं बनाते? क्यों 25 के आसपास? अच्छा जानबूझ के चर्च में कोई पूछ लेगा 25 के आसपास आप केक बना रहे थे, आप बांट रहे थे, हमने आपको देखा, तो 25 को मत बनाओ, उसके आसपास पहले बना लो, 25 को चुप हो जाओ, फिर 25 के बाद फिर खुल जाओ। आप 25 को, मैं अपनी बुआ के यहां घर गया था, हम अपनी अपने गांव गए थे, क्या करने गए थे गांव में? दो आंखें हैं जो देख रही हैं, सब देख रही हैं कि आप कर क्या रहे हैं प्यारे भाई। और ऐसों के लिए नबी कह रहे हैं हम अब एक दूसरे युग में जा चुके हैं। एंड आई वॉन्ट टू अनाउंस फ्रॉम दिस पल्पिट, इस बात की, वी हैव ऑलरेडी ब्रदर एंटर अनदर एज। और मैं इस पल्पिट से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि मेरे भाई हम पहले से एक दूसरे युग में हैं। दिस इज नॉट अ डिनोमिनेशनल टाइम, ये कोई संस्थागत गिरजे का समय नहीं है। इट्स नॉट टाइम फॉर एनी डिनोमिनेशनल ट्रेडिशंस, ये कोई संस्थागत गिरजों के दस्तूरों का समय नहीं है। इट्स अनदर टाइम, ये एक और समय है। What good would the cake do when Sodom would burn, brother? केक का क्या फायदा होगा जब सदोम की जलाया जाएगा? What good would the cake and the biscuits do? You miss the giver. आपका क्या फायदा होगा केक से और बिस्किटों से, आपने देने वाले दाता को ही पाने में चूक गए। Remember last 25th? पिछला 25, amen, याद है? Jesus the tramp. यीशु जो ट्रैम्प था। But he came with a gift. पर वो एक वरदान के साथ आया। How many are ready to accept that? कितने तैयार है उसको ग्रहण करने के लिए? Understand the modern events. समझें कि आधुनिक घटनाएं क्या है। और खास तौर से मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो चर्च कंपाउंड्स में रहते हैं। हमारी आपके चर्च कंपाउंड्स में जहां रहते हैं, दिल्ली में भी ऐसे कई कंपाउंड हैं, मैं भी क्या हूं ऐसे कई जगहों पे, आप भी जानते हैं, आसपास बहुत ज्यादा बेदारी दिखती है। फिर गाने चालू होते हैं लाल टोपी के साथ, लाल कपड़े लाल टोपी, आपके घर में भी हम गाना गाने आए हैं, मसीह का पैगाम लेके आए हैं। कौन सा पैगाम? जगत में आया, पैदा हुआ था, और आज आज की क्या कहानी है? ये पैगाम तो आज हमारे पास है ब्रदर, ध्यान रखना। क्या फायदा होगा ऐसी गुजियाओं का, ऐसे डोनट्स का, ऐसे केकों का? किसके लिए बना रहे हो? ऐसों के लिए नबी की ये लाइनें हैं। बड़ा दिन आया, हर साल मनाया, क्या तुमने आए सुनने वाले नया जन्म पाया? साल भर गुजर जाता है एक सवाल के साथ, लेकिन उसका जवाब आता नहीं। लेट मी से माय प्रेशियस ब्रदर एंड सिस्टर बिफोर क्लोजिंग, मैं कहना चाहूंगा मेरे बेशकीमती भाई, मेरी बेशकीमती बहन, समथिंग हैज हैपेंड, कुछ चीज घट चुकी है। We are not
in that Pentecostal age. हम अब उस Pentecostal युग में. Not living in a Pentecostal age. We are living in another age. हम एक और युग में रह रहे हैं. See, we are not living in the Methodist age. हाँ देखिए हम Methodist युग में नहीं रह रहे. We are living in another age. हम एक और युग में रह रहे हैं. That's why I say. इसलिए मैं कहता हूँ. This age has its songs. इसलिए इस युग के अपने गाने हैं. We are living on up here to the bride age. हम यहाँ पर ऊपर रह रहे हैं दुल्हन के युग में. The calling out of the church. He's repeating it again. वो इसको बार दोहरा रहे हैं. दुल्हन का कलीसिया का भार बुलाया जाना. And getting it together for the rapture. और उसको इकट्ठा किया जाना रैप्चर के लिए. What if this is the last Christmas? क्या हो ये अगर आखिरी क्रिसमस हो? What if this is the last 31st night? देखिए अगर ये आखिरी 31 की रात होगी. What if this coming year we are gone? क्या हो अगर इस आने वाले साल में हम चले जाएं? We would be the happiest people. ओह सबसे आनंदित लोग होंगे. What a glad day, brother. ओ क्या ही खुशहाल दिन होगा. When we'll be changed in His likeness. ये हम इन्हीं किन्हीं दिनों में बदल जाएंगे. Oh, blessed be the name of the Lord. मुबारक हो प्रभु का नाम. Pray for that. इसके लिए दुआ मांगिए. That's the age that we are now living. यह है वो युग जिसमें हम अब रह रहे हैं. What's he trying to apprise full gospel businessman? Full gospel businessman को किस बात से वो अवगत कराना चाहते हैं? A coming. एक आमद के विषय में. And the events that are taking place around that. और वो घटनाएं जो उसके इर्द-गिर्द घट रही हैं. Further down it says. आगे वो कहते हैं. Just one minute, please let me. एक मिनट कृपया. Third time. तीसरी दफा. I mean, in the morning when I was sitting, it was startling. जब सुबह बैठा हुआ था पढ़ रहा था बड़ा हैरान करने वाली बात थी. Third time. तीसरी दफा. We are not living in the Methodist age. हम Methodist युग में नहीं रह रहे. The Baptist age. Baptist युग में नहीं रह रहे. We are living in the Bride age. हम दुल्हन के युग में रह रहे हैं. The calling, bringing back to God. बुलाया जाना वापस खुदा के पास लाया जाना. Now he adds another sentence. अब एक और वाक्य जोड़ते हैं. Through a channel. एक चैनल में होके प्रणाली में होके. That he promised to bring it back in. जिसके लिए उसने वायदा किया था कि वो उसे वापस लेके आएगा. He promised to do it. उसने वायदा किया था इसके लिए. What, brother? कौन सा? Malachi 4. मलाकी 4. What was the calling of the bride? दुल्हन का बुलाया जाना क्या था? The opening of the book. पुस्तक का खोला जाना. Amen. He was calling out those names. वो नामों को बुला रहा था. Christ himself calling the bride. मसीह स्वयं दुल्हन को बुला रहा है. Making clear Hebrews 13:8. स्पष्ट कर रहा है इब्रानियों 13:8 को. John 14:12. यूहन्ना 14:12 को. Luke 17:26-30. लूका 17:26-30 को. Malachi 4. मलाकी 4. All these scriptures. इन तमाम आयतों को लेकर. They're going to take place between the 6th and the 7th trumpet. जो घटेंगे छठी और सातवीं तुरही के बीच में. And we have seen it happen, brother. और हमने इसको घटते हुए देखा है मेरे भाई. Amen, amen, amen. Hallelujah. But has been every age. पर ऐसा हर एक युग में रहा है. People let man put their own interpretation to it. लोगों ने ऐसा होने दिया कि अपने ही अनुवाद को उस पे डाल दिया. By theology. Theology के द्वारा. And will not believe God's divine vindication of it. और उसके कारण से उस खुदा के दिव्य पुष्टिकरण पे विश्वास नहीं कर पाए. वचन पे तो विश्वास करना चाहते हैं लेकिन जब खुदावन पुष्टिकृत करता है किसी चीज को दिखा के या करके उस पे विश्वास नहीं करना चाहते. Yeah. And then brother further down. और फिर आगे. Let me read that quote for you. मैं वो quote आपके लिए पढ़ूंगा. And one day. और एक दिन. When Jesus walked out. जब यीशु बाहर गए. अब पहचानो यहाँ किसकी बात हो रही है please. And one day when Jesus walked out. बैठिए बैठिए. जब यीशु वहां चल के गए. John looked up and seen that sign above him. यूहन्ना ने देखा और उस चिन्ह को अपने ऊपर देखा. He said, उसने कहा, Behold the Lamb of God. देखो खुदा का मेमना. That takes away the sin of the world. जो जगत के पापों को उठा ले जाता है. That same minute. उसी ठीक क्षण. Is a very strange line. बड़ी विचित्र वाक्य. That same minute. उसी ठीक क्षण. Jesus, our Lord, knowed then that he was vindicated before the people. यीशु हमारे प्रभु को पता लग गया कि अब उनका पुष्टिकरण हो रहा है लोगों के सामने. And he's ready for his ministry. और वो तैयार हैं अपनी सेवकाई के लिए. You know that happened. आप जानते हैं. Now he was the Word. अब वो वचन थे. Yes. जी हाँ. Why is he using that language? He was the Word. क्यों वो ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं? वो वचन थे. Amen. Would we doubt that? क्या हम इस पे शक करेंगे? Never. कभी नहीं. The Bible said he was the Word. बाइबल कहती है वो वचन थे.
In the beginning was the word. आदि में वचन था. And the word was with God. और वचन खुदा के साथ था. And the word was God. और वचन ही खुद खुदा था. Amen. And the word was made flesh. और वचन देहधारी हुआ. And dwelt among us. और हमारे बीच में उसने डेरा किया. And here he is. और यहाँ पर वो है. The hears the word on earth. जो उस वचन को सुनता है जो पृथ्वी पे है. He's saying hears, not hears. Here is the word on earth. यहाँ पर है वचन इस पृथ्वी पे. Look perfectly. बिल्कुल सटीकता दिखता है. Comes right out into the water to the prophet. Amen. ठीक पानी में होके नबी तक पहुंचता है. The word came walking to his prophet. वचन चलता हुआ अपने नबी के पास पहुंचा. Would it repeat again? क्या ये फिर से दोहरेगा? If it happened with the first forerunner, ये हुआ पहले पोस्ट पेशरों के साथ. What about now? आज के बारे में क्या? Did it happen again? क्या ये फिर से नहीं हुआ? These are the last days, brother. हाँ ये अंत के दिन है मेरे भाई. These are the last days. ये अंत के दिन है मेरे भाई. These are the last days. ये अंत के दिन है मेरे भाई. These are the last times. ये अंत के समय. Last times, last meetings. अंत के समय आखिरी समय. Getting ready for a rapture. तैयार होने के रैप्चर के लिए. Ready to say goodbye world. तैयार है कहने के लिए अलविदा दुनिया. Here's the word on earth. यहाँ पर है वचन पृथ्वी पे. That is what we preached. यही चीज हमने प्रचार किया था. That was not corporal body. ये पार्थिव देह नहीं थी. It was a word body. ये वचन की देह है. Then how can that be second coming? तो फिर ये कैसे दूसरी आमद हो सकती है? Second coming is corporal body, brother. दूसरी आमद तो पार्थिव देह है मेरे भाई. God bless you. There are a set of quotes which you read. हाँ खुदा मैंने आपको बरकत दे. कुछ हिस्सा है कोर्ट्स का जो आपने पढ़े हैं. But you need to read other sets of quotes in the same message. पर आपको उसी संदेश में दूसरे अन्य कोर्ट का हिस्सा भी पढ़ना चाहिए. You need to understand what Revelation 10 happened. आपको समझना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य 10 में हो कि क्या कुछ होगा. You need to read Melchizedek. आपको मलकीसेदेक पढ़ने की जरूरत है. And you need first a divine revelation. और उससे पहले आपको एक दिव्य प्रकाशन की जरूरत है. Very important, brother. बहुत महत्वपूर्ण मेरे भाई. What's he trying to say to San Bernardino? San Bernardino, क्या क्या नहीं कोशिश कर रहे हैं? हर पॉइंट जो होली गोस्ट एक पहले बैठिए एक मिनट मैं बस क्लोज कर रहा हूं. हर पॉइंट जो नबी के मुंह से सैन बर्नार्डिनो में हजारों की भीड़ में या सैकड़ों तो होंगे ही होंगे फुल गॉस्पेल बिजनेसमैन जाने कहां कहां से लोग आते थे उनको सुना रहे हैं तो क्या सिर्फ ये समझाने के लिए कि देखो एक यहुन्ना आया था और जब वो पानी में था वचन एक आदमी के रूप में उसके पास चलता हुआ आया यही समझाने के लिए या समझाने के लिए आज कोई आधुनिक घटना घटी आज भी एक यहुन्ना के समान कोई नबी है अगर आप पहचानो तो और उसके पास भी वचन एक व्यक्ति के रूप में वर्ड एज अ मैन वचन एक आदमी के रूप वर्ड एज अ पर्सन वचन एक शख्सियत में हालेलुया Amen.